हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुलेमान टैक्स बैंक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज जो हम बात करेंगे सुहागरात टेबलेट के बारे में, कैसे इसका यूज किया जाता है, कितना टाइम ये बढ़ा देगी और कितने टाइम पहले इसको यूज करना है और किस किस चीज के साथ में ले सकते हैं और किस किस के साथ में नहीं लेना है, इसके बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। सुहागरात 100 mg टेबलेट, इसको जो कंपनी बनाती है वो सिप्ला कंपनी बनाती है। MRP जो होती है वो 192 रुपए होती है, 4 टेबलेट का स्ट्रिप होता है। और गैस इसका अंदर कम्पोजिशन होता है वो सिलिंडानाफिल होता है, और सिलिंडानाफिल जो होता है फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर कैटेगरी का है। अब गैस बात करते हैं यूजेस की। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज किया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि पुरुषों में जो सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी सेक्स करने की एबिलिटी कम हो जाती है, तो उस एक्टिविटी की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इस टेबलेट को यूज किया जाता है। यानी पुरुष जो है महिलाओं के साथ में जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, ये उसको अच्छे से संतुष्ट नहीं कर पाते, तो उस टाइमिंग को बढ़ाने के लिए भी, पार्टनर संतुष्ट करने के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है, चाहे वो सेक्स रिलेटेड परफॉर्मेंस हो या फिर आप कोई वर्कलोड वगैरह कर रहे हैं तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है। गाइस, अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, इजेकुलेशन टाइम जल्दी हो जाता है, तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है। कम होता है तो बीपी बढ़ाने के लिए भी टेबलेट को दिया जाता है। अब गाइस बात करते हैं टेबलेट कैसे काम करती है, बीपी कैसे बढ़ाती है। गाइस, जैसे टेबलेट हम लेते हैं डिजोल्व होने का, जब ये ब्लड में पहुंचती है, ये करती है हमारी वेन्स जितनी भी होती है आर्टरीज, ब्लड आर्टरीज या ब्लड वेन्स जितनी भी होती है, सब में ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है। यानी जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, अगर लो बीपी होता है तो वो बीपी बढ़ जाता है, और ये पेनिस की साइड में भी, जो पेनिस में हमारी वेन्स होती है उनमें भी ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है, जिससे कि तनाव वगैरह जो बढ़ जाता है और इजेकुलेशन टाइम भी बढ़ जाता है, यानी जब आपका स्पर्म आउट होने की टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है। ये गाइस हमने बताया ये कैसे काम करता है। और गाइस अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट की। ये टेबलेट खाने से जो ज्यादातर साइड इफेक्ट देखने में मिलता है वो हेडेक, यानी सर में दर्द वगैरह होता है। फोटो सेंसिटिविटी भी होती है। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब होता है अगर आप लाइट में जाते हैं लाइट से उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, धुंधला, किसी किसी को धुंधला भी दिखने लगता है, ब्लर विजन हो जाएगा, इंडाइजेशन, पेट में खराबी वगैरह भी हो सकती है, फ्लैशिंग वगैरह आ सकते हैं, चकते चकते टाइप की रेड रेड बॉडी हो सकती है। और इसका एक मेन साइड इफेक्ट जो आपका चेहरा, आपकी बॉडी पूरी गर्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी वेन्स में और आर्टरीज में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी और गर्म हो जाएगी। नोजिया और वोमिटिंग, ये तो कॉमन साइड इफेक्ट है, ये आ भी सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं इसे कुछ प्रिकॉशन की। प्रिकॉशन का मतलब होता है कब कब इसको नहीं लेना है। एल्कोहल के साथ में इसको नहीं लेना है, अगर कोई एल्कोहल लेता है, क्योंकि एल्कोहल के साथ में अगर आप इस टेबलेट को लेते तो एक्टिविटी जो इसकी कम हो जाती है, यानी इसका जो एक्शन है वो कम हो जाएगा और रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। लीवर डिजीज है तब इसको नहीं देना है, किडनी डिजीज है तब भी इसको नहीं देना है। और इसको ज्यादातर यूज करते हुए 18+ ही ले, और मैं यही बोलूंगा आपको गाइस के इस टेबलेट को खुद से नहीं ले, एक बार डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले ले, वो आपको सही डोज और सही तरीका आपको बताएगा आपकी किडनी डिजीज है उसके हिसाब से। हाई बीपी की शिकायत है या हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, CHSF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वगैरह कोई शिकायत है, तब भी इस टेबलेट को नहीं लेना है गाइस। अब गाइस बात करते हैं इस टेबलेट को लेना कैसे, यानी डोज कितने डोज में कैसे लेना। तो गाइस ये शारीरिक क्षमता बनाने से 2 या 3 घंटे पहले दूध से लिया जाता है, रिजल्ट जो अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको कोई इरेक्टाइल इन्फेक्शन है या लो बीपी के लिए अगर आप ले रहे हैं, तब डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कितना डोज आपको लेना है। गाइस ये हमने बताया आपको सुहागरात टेबलेट के बारे में, और सब गाइस आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करते हैं ताकि कोई इसको अनप्रॉपर तरीके से यूज ना करे, उसको सही तरीका पता चल सके कैसे इसको यूज करना है और इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सके। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी करिए। ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगले।